अपना प्यार जो इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों ने मेरे से पूछा आपके इतने ब्लैक बालों का, काला होने का जो है राज क्या है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली, कि वैसे आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि कैसे हम अपने सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं, बालों को काला करने का तरीका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। पर हाँ, आप लोग जैसे काफी लोग कहते हैं कि हमारे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, इंडिगो पाउडर से बाल जो है हमारे काले नहीं हो रहे, काला कथा हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है कहीं मार्केट पे। तो आप इन सब के अलावा भी जो है जिस तरीके से मैं आप लोग से जो शेयर कर रही हूँ कि आप अपने सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते, सिर्फ एक मेहंदी से भी आप अपने बालों को काला कर सकते। पर याद रखिएगा कि मेहंदी जो है काफी लोगों को गलत तरीके से यूज करने से ना कि वो काला होगा, डाई जो हम यूज करते हैं उसके अंदर जो यूज करते हैं केमिकल, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर हमारे बाल लाल हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं। बस ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं, आपके बाल जो नेचुरल ब्लैक होने वाले। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज आप लोगों को वीडियो जो अच्छी लगने वाली, यूजफुल लगने वाली। अगर अच्छी लग जाए इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो जो अच्छी लग जाए तो इसे हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और यहां तक पहुंचाने के तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। तो अपना प्यार जो इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। काफी लोगों ने मेरे से पूछा आपके इतने ब्लैक बालों का, काला होने का जो है राज क्या है। तो चलिए वीडियो को बताते, उसमें रेमेडी में बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखा है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करती है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली, वैसे आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि हम कैसे एक घंटे में अपने सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते, बट उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि हम अपने जो है बालों की हेयर की ग्रोथ किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, बालों को सिल्की हेयर किस तरीके से कर सकते, कैसे हम अपने बालों का वॉल्यूम अच्छा कर सकते, अपने बालों को लॉन्ग कर सकते। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो किसी भी एंगल में आप लोगों को अच्छी लग जाए तो प्लीज इसे जाते जाते लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कर सकते हैं आप हम लोगों को, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा यहाँ तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए थैंक सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले मैं एक जो है प्लास्टिक का एक जो है कोई भी एक बाउल ले सकते हैं आप वैसे तो लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको यूज करना है। और देन आपको ऐसा नहीं है कि घंटों उसको बना के इसमें भिगा के रखना है, बस आपको जो है किसी स्टील की कटोरी पे मत लीजिएगा। मैंने एक प्लास्टिक का एक बाउल ले लिया है। देखिये सबसे पहले मैं इसके अंदर जो लेने वाली हूँ वो है मेहंदी। मेहंदी आप कोई सी भी ले सकते हैं, रचनी मेहंदी होती है, नया हर्बल मेहंदी होती है, या कोई आपके पास हर्बल मेहंदी जो कोई खादी भंडार की है, किसी भी स्टोर की जो भी आप लोग यूज करते हैं या फैब इंडिया की, आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है ले रही हूँ मेहंदी, और यहाँ जो है 1 से 2 बड़े चम्मच में लेने के बाद क्या होगा कि कोई भी अपने जो पूरे बालों की क्वांटिटी पे इसको लगा सकता है। तो यहाँ मैं जो है देखिये मेहंदी ले रही हूँ इस तरीके से, आप 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ मैंने सबसे पहले मेहंदी ली है। मेहंदी जरूर लीजिएगा, कंसेप्ट इसमें जो है आपको अच्छा सा एक कलर आएगा, कोई आपके बाल जो है लाल और ऑरेंज नहीं होंगे। तो इसके अंदर नेक्स्ट चीज जो मैं लेने वाली हूँ कथा। अगर आपके पास ब्राउन कथा है तो जैसे जिस तरीके से आपको ऑनलाइन अमेजोन में मिल जाएगा, यहाँ मेरे पास हर्बल टॉनिक का है, कथा है, ये आप देख सकते हैं कुछ रेडिश सा कलर है, ब्राउन कथा है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, देख सकते हैं आप इस तरीके का एक कथा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है 1 से 1.5 चम्मच ले लेना है, और काफी अच्छे जो कलर दे देगा ये हमारे बालों को, बिल्कुल जैसे आप हिबिस्किस पाउडर जो आपने गुड़हल का पाउडर लगाया, बस इसी तरीके से इसको भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इसकी क्वांटिटी को और एक थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर जो आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैं यहाँ पर कथा ले रही हूँ, कथा पाउडर आपको आसानी से जो मार्केट में मिल जाएगा, आप इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, ज्यादातर जो पान की दुकान या पंसारी होती है उन पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आपको इसके फायदे तो बहुत सारे होंगे कि हमारे बालों को इम्प्रूव करता है, वॉल्यूम अच्छा करता है, बालों में शाइनिंग लाता है, कलर हमारे ब्लैक कर देता है, नेचुरल ब्लैक हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं इसके अंदर ले रही हूँ मेथी पाउडर। मेथी पाउडर हमारे को जरूर लेना है, आपको ये नियर बाय शॉप पे भी मिल जाएगा, मेथी दाना जिसे फेनुग्रीक सीड कहते हैं, आप उसे अच्छे से घर पे जो है अच्छे से इसको जो है ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी में। तो यहाँ मैं ले रही हूँ मेथी दाना पाउडर, और इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है तो हमें क्या करना है, सिर्फ आधा चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। तो मैं इसके अंदर इसको मेथी पाउडर को भी ऐड कर रही हूँ, और आप इसके अंदर अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं, एलोवेरा पाउडर है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इन चीजें ले ली है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा लीव्स पाउडर ले सकते हैं, देखिए ये रहा। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास जो है आपके पास पाउडर है, अगर एलोवेरा लीव्स पाउडर है तो आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एलोवेरा जेल को भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके का एक कलर होता है, देख सकते हैं आप। मैं इसके अंदर ले रही हूँ 1 चम्मच के करीब,
ये दिखने में बिल्कुल ये मेहंदी के जैसा ही होता है, बस इसी तरीके से आपको इसमें लेना है। आप इन सबको रोस्ट कर सकते हैं, और एक जो है एक पाउच, अगर आपके पास कॉफी पाउडर है तो उसको जरूर यूज कीजिएगा। इस तरीके का मेरे पास एक कॉफी पाउडर है, देख सकते हैं ये 2 रुपए की तरह कॉफी पाउडर है। तो हम इसको कट कर लेते हैं, और हम इसको ले लेते हैं आधा, इसको पूरा ले लेंगे, और हम इसको जो ले लेंगे यहाँ पर कॉफी पाउडर को। अब आप देख सकते हैं इसका जो कॉफी पाउडर का जो है इतनी इसकी क्वांटिटी हमने लेनी है। ये काफी अच्छा रहता है, ये जो है एक पर्सन के लिए, जैसे जिस तरीके से हम कॉफी बनाते हैं उस हिसाब से ये कॉफी है। बस हमें इतनी सी एक चम्मच कॉफी लेनी है, ज्यादा भर के नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता कॉफी जो है हमारे बालों को लाल ऑरेंज की जगह हमारे बाल सिल्की एंड स्मूथ करता है। जो हमारी जो बालों की ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है काफी लोगों के, जो बहुत सी पूंछ सी बन जाती है, वो सारी समस्या ठीक हो जाएगी, और आपके बाल जो बहुत ज्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तो यहाँ मैं जो है कॉफी पाउडर ले रही हूँ, आपको सिर्फ 2 चम्मच इन्हें मिलाना होगा, आप 1 से 2 चम्मच इसको ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो कॉफी ले ली है, अब देखिए इसके अंदर जो मैं नेक्स्ट चीज डालने वाली हूँ वो है लेमन। इस तरीके का एक लेमन मैं इसके अंदर लूंगी। लेमन से आपको पता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है, बालों के लिए जो है अच्छे से जल्दी कलर देता है, नेचुरल ब्लैक कलर देता है। काफी लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट इसमें आधा नींबू जो आप इसमें डाल सकते हैं। हम इसके अंदर दही को भी ऐड कर सकते हैं, और हम इसके अंदर जो है लेमन पील पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ मैं जो लेमन को ले रही हूँ आधा। हम इसके अंदर जो आधा लेमन ले लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके का। मैंने सिर्फ इसके अंदर जो है सिर्फ आधे से आधे में इसी जो है काफी कम जो है लिया है मैंने, बस इस तरीके से हमें कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर जो है ऐड करनी होगी, देख सकते हैं ये मैंने ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा नारियल तेल। अब नारियल तेल पैराशूट का मेरे पास यहाँ पर है, अब आप लोग देख सकते हैं। तो पैराशूट लेने से क्या होता है कि हमारे बालों में काफी अच्छा एक नेचुरल सा बालों में ग्लो आएगा। सीरम लगाते हैं जिस तरीके से, इस तरीके से हमारे जो है नारियल तेल से हमारे बाल बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैं जो 1 चम्मच नारियल तेल ले रही हूँ, देख सकते हैं आप इसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब आपको लगेगा कि नारियल तेल इसमें ऐड करने से हमारे बाल काले कैसे होंगे, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और रिच मिलता है हमारे बालों को, बाल हमारे सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं, और हेयर की वॉल्यूम अच्छी हो जाती है, हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ये सब चीजें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है, अगर आपके पास जो है ऐसा इस तरीके का पीतल का गिलास है तो आप वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आरओ का वाटर इसके अंदर ऐड करके तो वो इसके अंदर मिक्स करूंगी मैं। इसके अंदर धीरे धीरे हमें इसको मिक्स करना होगा, और इसे इसको तुरंत हम इसको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हमें 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम इसे इसको आराम से इसको फटाफट से बना के इसको लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको जो मिक्स करने वाली हूँ, और इसको बनाते बनाते अब आप देखेंगे कि ये काफी ज्यादा ब्लैकिश शुरू हो जाएगा होना। अब आप लोग देख सकते हैं, बस इसी तरीके से आपको उसको बनाना है और लगाना है। लगाने का प्रोसेस पता है आपको कि बालों में जिस तरीके से मसाज किया जाता है, ऑयलिंग किया जाता है, बस इसी तरीके से इसको बनाना है। और देखिए इसको 30 से 40 मिनट या 20 मिनट भी एटलीस्ट अगर आप इसको जो हफ्ते में 2 बार लगा देते हैं तभी रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा बेटर मिलने वाला है। इसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि लम्स ना बने, और आप अपने जो है ग्लव्स की सहायता से, कभी किसी जो है ब्रश की सहायता से, जो होता है हेडाई का जो ब्रश होता है उसकी सहायता से लगाएंगे। बट याद रखिए इसमें कोई भी मैंने जो हार्मफुल और केमिकल कुछ भी ऐड नहीं किया, बट हाँ इसको एक बार पेस्ट टेस्ट जरूर कर लीजिएगा अपने बालों पे, स्किन पे, जिससे कि आप लोगों को कोई भी जो एलर्जी ना हो। वैसे क्योंकि मैंने सारे आयुर्वेदिक चीजें जो है इसमें हर्बल चीजें ऐड की है, तो देख सकते हैं आप ये हमारा बन के तैयार तो हो चुका है। इसको पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ये 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा। इसका कलर जो है बिल्कुल नींबू से जो होता है, लेमन से जो है बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर सा आ जाता है। और ये लगाने के तुरंत आप जो 20 से 25 मिनट बाद जब आप इसको धोएंगे तो आपके बाल जो बिल्कुल ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में मैंने अप्लाई करके दिखाया, अपने खुद पे भी लगा के दिखाया, अपने हस्बैंड पे, अपने परिवार के सदस्यों पे, बस इसी तरीके से आपको उसको बनाना है और लगाना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज क्या कीजिएगा, जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ इसके अंदर जो है लेमन को ऐड जरूर कीजिएगा जिससे कि आपके बाल जो है। देखा आपने
इसे बनाने का तरीका, लगाने का तरीका, धोने का तरीका, सभी चीजें बहुत आसान है। आप जो है कुछ ही मिनटों में मेरी तरह जो अपने बालों को काला घना बना सकते हैं। बाल आप देख सकते हैं अभी जैसे वैसे, तो मैंने अपने बालों को 2-3 दिन से नहीं वॉश किया, पर आप लोगों को ना कोई बाहर जाके केमिकल यूज करना पड़ेगा, ना कोई स्पा यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप जो है घर बैठे अपने सफेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर इसको जो है शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। कुछ भी पूछना चाहते मुझे कमेंट्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपको सारे आंसर दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।